आज हम देखेंगे एस्पेरियास पार्ट टू, जिसमें हम एस्पेरियास के डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के फिफ्थ यूनिट में है। स्टारफिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कपली प्रकार का होता है, जो कि माउथ से ओपन और एनस पे एंड होता है। ये टू पार्ट में बटे हुए होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ पर हम इनकी पोजीशन देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पर पाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पर जो ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल के हैं, जो कि सेंट्रल डिस्क वाले एरिया में पाया जाता है। जबकि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, ये इनके आर्म्स में फैले हुए होते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल इनके सेंट्रल डिस्क पर ओरल एब ओरल एक्सिस पर पाया जाता है। देख सकते हैं ये है ओरल सरफेस और ये है एब ओरल सरफेस। तो ओरल सरफेस पर पाया जाता है माउथ और एब ओरल सरफेस पर एनस। और इनके बीच में एलिमेंट्री कैनाल के सभी पार्ट्स क्रम से लगे हुए होते हैं। यहाँ माउथ से इसकी ओपनिंग होगी, ये इसोफेगस में खुलेगा, इसोफेगस आगे चलकर कार्डियक स्टमक में ओपन होते हैं। कार्डियक स्टमक के पीछे पाइलोरिक स्टमक पाया जाता है, जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसे पाइलोरिक सीका कहते हैं, उसकी ओपनिंग होती है। और इसके पीछे की तरफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का अंतिम भाग रेक्टम कहलाता है, जो कि एनस नाम के अपर्चर से एब ओरल सरफेस पर बॉडी के बाहर खुलता है। एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट होता है माउथ, जो कि इनके सेंट्रल डिस्क के सेंटर पर एक पेंटागोनल अपर्चर के फॉर्म में पाया जाता है। और ये चारों तरफ से एक पतली मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, जिनको पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन या पेरिओरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माउथ के अपर्चर के चारों तरफ इंटर रेडाई पोजिशन पर, मीन्स दोनों भुजाओं के बीच वाली पोजिशन पर, पांच के समूहों में, एक दो तीन चार और पांच, पांच के समूहों में ओरल स्पाइंस पाए जाते हैं, जो कि अपर्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। माउथ की जो ओपनिंग होती है, उसमें स्फिंक्टर मसल्स लगे हुए होते हैं, जिसके कारण माउथ को ओपन और क्लोज किया जा सकता है। कार्डियक स्टमक, जो कि स्टमक का फर्स्ट चैम्बर होता है, ये बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और फाइव लोब होते हैं। देखिए ये यहाँ नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये फाइव लोब से बने हुए हैं, यही है कार्डियक स्टमक। और इनके जो प्रत्येक लोब होते हैं, यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं, ये जो लोब दिखाई दे रहे हैं, इनके लोब रेडियल पोजिशन पर पाए जाते हैं, मीन्स भुजाओं के सीध में पाए जाते हैं। ये इनकी जो वॉल होती है वो पतली होती है, लेकिन मस्कुलर होती है और साथ ही साथ बहुत ही फोल्डेड होती है। इनकी विशेषता होती है कार्डियक स्टमक की कि ये रिवर्सिबल होते हैं, माउथ से बाहर फीडिंग के वक्त इनको निकाला जा सकता है। और साथ ही ये जो कार्डियक स्टमक है, फीडिंग में हेल्प करते हैं और इन्हें वापस रिट्रैक्टर मसल के द्वारा अंदर लिया जा सकता है। और ये जो रिट्रैक्टर मसल होते हैं, ये संख्या में पांच जोड़ी पाए जाते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज और मसल फाइबर के बने होते हैं, जिनको गैस्ट्रिक फिलामेंट भी कहा जाता है। कार्डियक स्टमक अपने पीछे की तरफ एक छोटे चपटे और पेंटागोनल स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको पाइलोरिक स्टमक कहा जाता है। ये देख सकते हैं, ये वाला, ये जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ही पाइलोरिक स्टमक का है। ये इनके जो पांच एंगल होते हैं, ये सभी रेडियल पोजीशन पर पाए जाते हैं, मीन्स भुजाओं की सीध पर पाए जाते हैं। और प्रत्येक एंगल पे एक पाइलोरिक सीका की एक डक्ट आकर के खुलती है। ये देख सकते हैं, ये पाइलोरिक सीका, जो कि इनका डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जिसे मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको डिटेल में बताऊंगी, वो उसकी जो डक्ट होती है वो पाइलोरिक स्टमक में आकर के खुलती है। इसके बाद देखेंगे हम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखिए, जो पाइलोरिक स्टमक है, ये आगे चलकर एक छोटे पेंटागुलर ट्यूब में खुलता है, जिसको कहा जाता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का जो पिछला भाग होता है, यहाँ पर कुछ दो से तीन या चार की संख्या में कुछ
डायवर्टिकुलम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ अंध नाल पाई जाती है जिसको इंटेस्टाइनल सीकम कहा जाता है। इंटेस्टाइनल सीकम के बाद का जो पोर्शन होता है वो एक पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, ये जिसको कहा जाता है रेक्टम। रेक्टम आगे चलकर एक अपर्चर के द्वारा एब ओरल सरफेस पर बाहर खुलता है, बॉडी के बाहर खुलता है, जिसको कहा जाता है एनस। एलिमेंट्री कैनाल के बाद आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड पे, तो इनका जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये पार्लर सिका के फॉर्म में होता है, जो कि 5 पेयर पाए जाते हैं, प्रत्येक भुजा में एक पेयर होता है। ये देख सकते हैं इनके जो लंबे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये इनके पार्लरिक सिका है, जो कि एब ओरल सतह पर जो मिसेंट्री पाई जाती है उससे सपोर्टेड होते हैं। प्रत्येक भुजा में एक पेयर पाए जाते हैं, पार्लरिक स्टमक के कोण से लेकर के भुजाओं के सिरों तक का फैले हुए होते हैं। ये नेचर में पैंक्रियास के समान होते हैं। और यदि हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये जो ग्रीनिश और ब्राउनिश कलर के स्ट्रक्चर आपको पैलोरिक सिका के दिखाई दे रहे हैं, ये एक अपने अपने डक्ट के द्वारा इस एक सिंगल लॉन्गिट्यूडनल डक्ट में खुलते हैं। इन डक्ट को पैलोरिक डक्ट कहा जाता है। दोनों तरफ के जो पैलोरिक डक्ट होते हैं वो एक कॉमन डक्ट से पैलोरिक स्टमक के अंदर खुलते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ये जो पैलोरिक सीका होते हैं, जो ये ब्राउनिश कलर के ग्रीनिश कलर के जो कलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी जो वॉल है वो कॉलुमनर एपिथीलियम की बनी हुई होती है और इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला है सिक्रेटरी सेल। ये सिक्रेटरी सेल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, जो कि प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। दूसरे आते हैं म्यूकस सेल, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करता है। तीसरा है स्टोरेज सेल, जो कि लिपिड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को रिजर्व फूड के फॉर्म में स्टोर करता है। उसके बाद चौथे प्रकार का जो सेल होता है वो करेंट प्रोड्यूसिंग सेल होता है, जिसमें लंबे लंबे फैसला लगे होते हैं, जो कि एंजाइम को डक्ट की तरफ धकेलने का काम करते हैं। इनके फूड देखते हैं तो ये समुद्र में पाए जाने वाले जो बेंथिक एनिमल्स होते हैं, जो कि सी बेड पर पाए जाते हैं, स्थिर प्रकार के सिडेंट्री टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ओयस्टर्स हैं, मसल्स हैं, क्लैम्स, स्नेल्स, वर्म्स, क्रैब, सी अर्चिन जैसे एनिमल्स को ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा ये दूसरे जो छोटे सी स्टार्स होते हैं उनको भी ये अपना शिकार बना सकते हैं। इसके अलावा जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं और डेड एंजर्ड एनिमल्स होते हैं उनको भी ये अपने भोजन के रूप में लेते हैं। इन्हें ओयस्टर बहुत पसंद होता है, इसलिए ये ओयस्टर इंडस्ट्री के लिए, पर्ल इंडस्ट्री के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। स्टारफिश में जो फिटिंग मैकेनिज्म है वो कुछ डिफरेंट टाइप का होता है, देखेंगे यहाँ पर। तो ये अपने शिकार को अपने आर्म्स की सहायता से पकड़ते हैं और पकड़ कर उसे अपने मुंह के पास में ले आते हैं। इसके बाद जैसे कि ये एक सीपी है, इसके जो दोनों वॉल्व हैं, इन दोनों वॉल्व को अपने आर्म्स में जो ट्यूब फिट्स होते हैं उनकी सहायता से चिपका देते हैं और अब धीरे धीरे इस वॉल्व को खोलने का प्रयास करते हैं। ये वॉल्व चूंकि इसमें एडक्टर मसल्स पाए जाते हैं इसलिए मजबूती से जुड़े हुए होते हैं और इनको खींचने के लिए स्टारफिश को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अब अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए अपने आर्म्स के सिरों को ये सबस्टेटम से ट्यूब फिट के द्वारा चिपका लेते हैं और अपने आर्म्स जिससे कि ये दोनों साइड के वॉल्व चिपके हुए हैं उससे इन वॉल्व को खोलने का प्रयास करते हैं। इसके बाद जैसे ही अडक्टर मसल के लूज होने से एनिमल बाहर आता है, ये अपने कार्डियक स्टमक को माउथ से होते हुए बाहर निकाल लेते हैं और फिर अपने शिकार के ऊपर कुछ एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, जहां पर इस एंजाइम का बहुत कुछ डाइजेशन यहीं पर हो जाता है और इसके बाद फिर ये इस शिकार को अपने
माउथ से अंदर ग्रहण कर लेते हैं। फीडिंग के वक्त कार्डियक स्टमक को बाहर निकालने के लिए बॉडी में उपस्थित मसल्स और सिलोमिक फ्लूइड रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके प्रेशर के कारण कार्डियक स्टमक माउथ से होते हुए बाहर आता है, जबकि कार्डियक स्टमक को अंदर करते समय रिट्रैक्टर मसल, जो कि 5 जोड़ी पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के कार्डियक स्टमक को बॉडी के अंदर ले आते हैं। देखेंगे हम इनका डाइजेशन। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि कार्डियक स्टमक शरीर के बाहर आकर शिकार को ऊपर से ढक लेता है, उसी समय इस स्टमक में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं, जो कि पाइलोरिक सीका से निकले हुए होते हैं, वो इनके ऊपर डाल दिया जाता है। इस एंजाइम में हाइड्रोलाइटिक टाइप के एंजाइम जैसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज जैसे एंजाइम होते हैं, जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसराल में चेंज कर देते हैं। अब इस प्रकार जो शिकार होता है, ये इसका जो आधा डाइजेशन है वो शरीर के बाहर ही हो जाता है, और अब इस आधे बचे हुए भोजन को कार्डियक स्टमक के साथ शरीर के अंदर ले लिया जाता है। इसके बाद ये जो आधा बचा भोजन है, इसका आगे का पाचन स्टमक में, मीन्स कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक और पाइलोरिक सीका में पूरा होता है। पाइलोरिक सीका में सी स्टार्स आधा बचा हुआ भोजन ग्रहण करते हैं और इनका पूरा पाचन स्टमक एंड पाइलोरिक सीका में हो जाता है, इसलिए अनडाइजेस्टेड फूड की मात्रा इनमें बहुत ही कम होती है, जो मुंह के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, और जो बची हुई मात्रा होती है उसे एनस के द्वारा एपोरल सरफेस पर बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस इजेशन कहलाती है।